उनका वीडियो हमारा सामने है। ये रास्ता में जब लोगों ने बोला था आप इस रास्ता में जाइए, देन दैट फेलो हैज गिवन इंडिकेशन टू सीआरपी सीआरपीएफ पीपल टू ब्रेक द एस्टैब्लिश रोड एंड गो थ्रू दैट मिडिल ऑफ द जोरहाट टाउन दैट रिजल्टेड इनटू डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इंडिविजुअल हैज बीन हर्ट ग्रीवियसली। So we have recorded a statement of the injured person. We have recorded a statement of the people whose motorcycle etc. has been damaged. And now obviously law will take its own course. Sir, after the register of the Assam police register the case, the Congress said that it is just a actually political conspiracy. You see, हमें political conspiracy करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो ये सात दिन हमारा इतना ही तकलीफ था कि भाई इतना बुरी समय में आपने ये यात्रा शुरू किया, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। वो दिन जो खानापारा में लोग आया था, कौन आया था? बको, सोमोरिया और सोईगांव से एक विशेष समुदाय का लोग आया था खानापारा में। और आप खुद जानते हैं कि इस समय पूरा असम में, पूरा देश में एक राम का माहौल चल रहा है। लोग एकदम जय श्री राम कर ही रहा है। उसी समय आप गुवाहाटी में बको, सोईगांव, सोमोरिया से एक विशेष समुदाय का लोग लेके आके यहाँ में आपको धरना प्रदर्शन करने का क्या जरूरत था? आपको मालूम नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हम आपको कहीं में नहीं रुका, बोले हमको गुवाहाटी जाने नहीं दिया। अरे अपर असम से लोअर असम जाने के लिए आपको गुवाहाटी होते हुए ही जाना पड़ेगा, आप तो रॉकेट लॉन्चर से नहीं गया। हम खाली यही बताए आपको, इस रास्ता से मत जाओ, इस रास्ता से जाओ। आपका इतना अहंकार है। सरकार अगर एक रास्ता ठीक करके देता है, भाई आप इस रास्ता से गुजरो, कि आपका इतना अहंकार है कि हम उस रास्ता से नहीं जाएगा, हम गुवाहाटी जाएगा। अरे बाबा, आप खानापारा से जालुकबारी जो रास्ता में आप गुजरे वो भी गुवाहाटी ही है। आपको किसने बताया वो गुवाहाटी नहीं है? आपको किसने बताया? गुवाहाटी प्रेस क्लब का साथ उनका कुछ मसला हुआ। अरे मेरा क्या है, मैं कभी प्रेस क्लब का लोग मुझको बुलाने से मैं नमस्कार करके बोलता हूं मैं मुझको नहीं जाना है। तो उसमें भी आप हिमंत विश्व शर्मा को देखते हो, आपका अगर खाना में ज्यादा नमक हो गया उसमें भी मुझको देखते हो, अगर मीठा ज्यादा हो गया उसमें भी मुझको देखते हो। ये नाम का यात्रा है। जितना जितना फाइव स्टार कंटेनर है, मैं आपको फोटो वोटो भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ एक एक फाइव स्टार कंटेनर का। ऐसा कंटेनर एक मुस्कु उधार देने से अच्छा हो जाता था। देखिए मेरा कोई आपत्ति नहीं है, राहुल गांधी जी को देखने के लिए लोग पूरा आए, मेरा क्या आपत्ति है। लेकिन मेरा समस्या था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का दिन आप ड्रामा मत करो, इससे उसका रिपर्केशन बहुत दूरगामी हो सकते थे। आपका ऊपर अगर मान लीजिए बटद्रवा थान में वो जाते थे, राहुल जी और राम भक्त का बीच में झगड़ा हो जाते थे, तो इसका रिएक्शन क्या होता था? फिर बोलते थे हिमंत विश्व शर्मा ने यह कंस्पिरेसी किया। आप बताएं, मैंने आपको लसित बरफुकन का समाधि में जाने में मना किया था क्या? मैंने आपको बरपेटा सत्र में जाने के लिए मना किया था क्या? मैंने आपको गुरुद्वारा धुबरी गुरुद्वारा में जाने के लिए मना किया हूं क्या? आपको मैंने भूपेन हजारिका का समाधि में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या? एक जगह में जाने के लिए मना किया, वो भी मना नहीं है। भाई 3 बजे का बाद जाइए। क्या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के लिए अगर आपका इतना भक्ति है, कांट यू वेट फॉर 2 आवर्स? हमें भी रुकवा देता है कभी कि अभी मत आइए, कभी हम जाते हैं बोलते आप ड्रेस चेंज करके आओ, आपको कुर्ता में आपको अंदर जाना नहीं है। और मंदिर में तो जाना ही नहीं था, वो तो टी शर्ट में था। अगर आप कंस्पिरेसी देखो, बटद्रवा थान में अगर किसको जाना है तो उनको धोती और पैंट पहनना पड़ता है, रूल है। लेकिन राहुल जी तो टी शर्ट और जींस में था, उनका तो मंदिर जाना ही नहीं था, सत्र में जाना ही नहीं था, तमाशा करने का उनका मन था। लेकिन ठीक है, मैं एक धन्यवाद देता हूं, पूरा कांग्रेस माहौल में मेरा नाम उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया।
ट्वीट करते 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 पूरा ऑलमोस्ट हिमंत विश्व शर्मा पूरा क्या बोलते हैं ट्रेन करने लग गया था। बहुत बड़े वो तो अच्छा किया सर, वो जितने दिन यहाँ पर रहे लगा कि एक मुठभेड़ है राहुल गांधी और हिमंत विश्व शर्मा, वो तो मतभर है ही, उसमें क्या है, उसमें क्या है, मैं वो तो है ही, राहुल जी को तो मैं अच्छा नहीं पाता हूँ ये तो सब जानते हैं, उसमें नया क्या बात है। ये एकदम बहुत बड़ा पर्सनल है, नहीं नहीं पर्सनल है, लेकिन वो तो मैं सुनाओ मैं करूंगा, लेकिन एज ए सीएम आई डिड व्हाट नीड टू बी डन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इन ए वेरी वेरी क्रिटिकल मोमेंट। लेकिन मैं राहुल का फैन नहीं हूँ, वो उसमें मत रहिए। नो नो, वी हैव हैंड ओवर गुवाहाटी केस तो एसआईटी और लोकसभा चुनाव का बाद उसको हमने अभी तो हम नोटिस वगैरह देगा राहुल जी को हम लोकसभा चुनाव का बाद ही बुलाऊंगा, नहीं तो थोड़ा हमारा लॉस भी होगा ना, ही इज द बिगेस्ट एसेट ड्यूरिंग द इलेक्शन फॉर अस। वो बोल रहे हमको अभी बुलाओ, अरे आपको अभी बुलाने से विल बी डिप्राइव फ्रॉम द बिगेस्ट एसेट ना, वही तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, सुनाओ में वो रहना चाहिए। नहीं आप देखिए राहुल गांधी जी जैसे लोकसभा में घूमेगा, अभी आप निश्चित रहिए असम में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी गुजरे सब में बीजेपी जीतेगा। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल जी एज ए पॉलिटिशियन नॉट एज ए सीएम मैक्सिमम जगह में वो कैंपेन करे ना, उसी में तो फायदा, तभी बोलेगा स्टोव से कोयला, कोयला से स्टोव बाहर होता है, आलू से सोना बाहर होते हैं, तो हमें तो चाहिए ना उनको, वी नीड हिम।